हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोग को रेलवे एग्ज़ाम क्विक 2.0 में। मैं अशोक कुमार आज आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि बायोलॉजी का 1 लीनियर क्वेश्चन है, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, यानी अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला था। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए से संबंधित किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, या पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार इसमें से किसको दिया गया? तो हरगोविंद खुराना को दिया गया, जो कि जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी माइटोकांड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और 23 जोड़ी होती है। जोड़ी पूछा जाएगा तो 23 जोड़ी, और पूछा जाएगा टोटल कितनी संख्या होती है? तो 46 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक का टीका की खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। दोस्तों क्वेश्चन है हम लोग का, स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी तथा आलू तना का डॉ डॉट है, तो वहाँ पे हो जाएगा दोस्तों भूमिगत रूपांतरण है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे दोस्तों भूमिगत रूपांतरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने किया? तो कोशिका का जो खोज है दोस्तों, वह रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहते हैं, जांग की हड्डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिज को कहा जाता है, जो कि कान की हड्डी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की छाती में दोनों तरफ कितनी पसलियाँ होती है? तो 12-12 पसलियाँ होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी लाल रक्त कण की कब्र गृह किसे कहा जाता है? तो पलिहा को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में विटामिन कौन सहायक होता है? तो के सहायक होता है। दोस्तों यह परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में विटामिन कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो वहाँ पे विटामिन के हो जाएगा। रक्त समूह एवं आरएच तत्व की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए यह सर्वग्राहता कहलाता है, यानी ए बी जो है सर्वग्राही कहलाता है, और ओ जो रक्त समूह है उसे सर्वदाता कहा जाता है, यानी वह सभी को दिया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। मनुष्य के हृदय का भार 300 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने बायोलॉजी का 1 लीनियर क्वेश्चन देखा। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।